हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ना मैं बनाने जा रही हूँ शाही पुलाव रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने एक पैन लिया है, उसमें ना मैंने चावल डाल दिए हैं, जो बड़े साइज़ के चावल आते हैं ना, बासमती राइस इंडिया गेट वाला, मैंने वही यूज़ किया है। तो यहाँ पर ना मैंने दो मीडियम कटोरी से मैंने चावल ले लिया है, जिनको मैं अच्छे से धुल लूँगी। और धुलने के बाद में ना इसमें पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी कम से कम आधा घंटा इसको फूलने के लिए। और फूलने के बाद में जो भी प्रोसेस होगा वो करूँगी। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है अच्छे से धुल के, और फिर इसको मैं ढक दूँगी आधे घंटे के लिए। तो फ्रेंड चलिए फिर हम मसाले देख लेते हैं कि हम क्या क्या यूज़ करेंगे शाही पुलाव के लिए। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया था और कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पर मैंने मसाले कटिंग किए हैं, ये जो हमने फूलने के लिए रखा था चावल वो काफ़ी फूल चुका है। और ये थोड़े से गाजर हमने कटिंग कर ली। यहाँ पर मैंने मटर ले लिए थोड़े से, और सारे मसाले। और ये ना पुदीना, ये मेरे गार्डन के पुदीने हैं, तो छत पर से मैंने लिए थे। तो इन सब मसालों को मैं यूज़ करूँगी शाही पुलाव बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने गैस पे भगोने में पानी रख दिया, जो कि पानी ना आधा बॉईल हो चुका है। अब इस गर्म पानी में ना मैं चावल को ऐड कर दूँगी, जिससे कि ना मेरा चावल थोड़ा सा पक जाए। मतलब हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें बस इतना ही पकाना है कि हमारे चावल हल्के से टूटने लगे। टूट तो आप फूलने के लिए रख दोगे तो भी टूटने लगेंगे, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें पकाना है। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया 5 से 10 मिनट पकने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना चलिए मसाले इकट्ठे करके पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, जार ले लिया, इसमें मिर्ची ऐड कर लिए, अदरक के टुकड़े ऐड कर लिए, जो भी मसाले हमारे पास है हम सब यूज़ कर ले रहे हैं। और यहाँ पे ना पुदीने का पत्ता, अगर आप यूज़ करना चाहो तो ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप हटा भी सकते हो। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरे पास था भी। हल्का सा पानी डाल के मैंने पेस्ट को तैयार कर लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना देख लीजिए चावल भी लगभग हो ही चुका है। तो देखिए, हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। देखिए, हमारा चावल अच्छे से हो चुका है। तो हम ना यहाँ पे चावल को अब हटा लेते हैं। तो हम चावल को हटा के साइड में रख देते हैं। अब ये ना मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, तो ये लोहे की कढ़ाई है। तो लोहे की कढ़ाई तो जानते हैं कैसी होती है, तो ये लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसमें तेल की क्वांटिटी बहुत कम लगती है, आप थोड़े से तेल में बहुत सारी चीज़ों को फ्राई कर सकते हो, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ना जो ड्राई फ्रूट मैंने सारे रखे थे, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने किशमिश को फ्राई कर लिया है, और इसी तरह से ना मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट रखे थे, जैसे कि मैंने काजू यूज़ किया है, किशमिश तो मैंने फ्राई कर लिया, मैंने काजू यूज़ किया है, थोड़े से बादाम यूज़ किए हैं मैंने, और पनीर यूज़ किया है। तो सभी को मैं थोड़ा थोड़ा करके सबको फ्राई कर लूँगी। तो हे फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया करिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा बनता है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच किया करिए। और अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ बताया करिए, क्योंकि आप ही लोग ही सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मतलब फ्राई कर लिया। यहाँ पे मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ। पनीर को भी ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, एकदम मतलब ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन बस करना है। अब इसको ना डायरेक्टली नहीं निकालना है, तो मैं ना एक बर्तन में आप कुनकुना पानी ले लीजिए, उसमें ही आप निकालिए पनीर को, ठीक है? इससे ना पनीर आपका सॉफ्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे पनीर को हम इसी तरह से भून लेते हैं। अब भूनने के बाद में फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है? लगभग सारे हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से हो चुके हैं और हमारा सब कुछ फ्राई हो चुका है। तो फ्रेंड, हमने दूसरा पैन यूज़ कर लिया है। तो मैंने गैस पे पैन रख लिया है, उसमें हल्का सा तेल डाल दिया है।
इसमें ना 2 बड़े चम्मच मैंने घी का यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और तेज पत्ता, जीरा, थोड़े से खड़े मसाले मैंने इसमें यूज़ किया है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाओगे ना शाही पुलाव, तो एक तो सिंपल भी है, सभी लोग बना सकते हैं, और दूसरी कि बहुत ही मतलब टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। ये मेरी रेसिपी सबसे बेस्ट रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आती है मेरी ये रेसिपी। मेरे घर में पार्टी या कोई भी बर्थडे पार्टी या कोई भी गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर बनाती हूँ और मेरी बहुत तारीफ़ होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना कि ये वीडियो कैसी है और कैसी लगी आपको रेसिपी। मेरे घर में ना आप सोच रहे होंगे मसाला पीस के गिरा, तो ये ना मतलब अदरक लहसुन के साथ मैंने ना प्याज को भी पीसा है। किस लिए? मेरे घर में खड़े प्याज कोई यूज़ नहीं करता, मतलब कोई बच्चे मेरे खाने पसंद नहीं करते हैं, और थोड़ा ना मेरे घर के लोग थोड़ा खड़ा प्याज खाना नहीं पसंद करते। इस वजह से ना मैं पेस्ट बना लेती हूँ, पेस्ट से ज़्यादा स्वाद रहता है। तो ये ना मसालों को मैंने रख दिया है भुनने के लिए, तो चावल भी हमारे खूब अच्छे से हो चुके हैं। अब मैंने इनको ना निकाल के अलग पानी निकलने के लिए मैंने रख दिया था, पानी भी निकल चुका है। तो फ्रेंड्स, मसाले हमारे आधे भुन चुके हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? इसका कलर बहुत अच्छा आया हुआ है। मोबाइल थोड़ा मतलब लाइट का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इतना नहीं समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना फिर से ये अभी थोड़ा सा कच्चे हैं, तो हम फिर से इसको ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, तो हमारे मसाले ना लगभग हो चुका है, और इस कंसिस्टेंसी में आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमारे मसाले लगभग पक चुके, अब इसमें हम चावल को ऐड कर रहे हैं। चावल, सारे चावल को थोड़ा 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 ऐड करके बिना तोड़े हल्के धीमी आंच पे इसको हम चला के मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद में फिर हम इसमें जितना हमने फ्राई करके रखा है ना, तो उस चीज़ को हम मतलब इसमें ऐड करेंगे, और बड़ी धीमी आंच पे सावधानी पूर्वक चलाएं जिससे कि ये नीचे ना गिरे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना सबको हमने मिक्स कर लिया है, मसाले चावल को दोनों को मिक्स कर लिया है हमने, और यहाँ पर हमने जो ड्राई फ्रूट थे ना भून के रखे थे वो सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसके इसमें मैं पनीर को भी ऐड कर लूँगी। तो पनीर को ऐड करके, और धनिया पत्ती अगर आपके पास है तो आप धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हो, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये सर्व के लिए रेडी है, आप इस तरह से सर्व करके सबको परोस सकते हो। देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में भी उतना अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और लाइक कमेंट ज़रूर करना।